गुड मॉर्निंग. दीस डैट, दीज और दोस प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है. कैसे, आइए देखते हैं. दीस डैट और दीस का पुल्लल हो जाता है दीस, और डैट का पुल्लल हो जाता है दोस. याद रखना है गाइस, अगर दीस डैट दीज और दोस के तुरंत सटे हुए अगर वर्ब आ जाता है तो यहां पर दीस डैट दीज और दोस प्रोनाउन का काम करता है. फिर एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए बाबू. अगर दीस डैट दीज और दोस के तुरंत सटे हुए वर्ब आ जाता है तो यहां पर दीस डैट दीज और दोस प्रोनाउन का काम करता है. और यह पहले से भी हम लोग को पता है कि जो है नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है. ओके, तो दीस डैट दीज और दोस किसके जगह पर आता है, किसी ना किसी जो है नाउन के जगह पर यूज होता है. ओके, एक कंसेप्ट और क्लियर कर लीजिए बाबू. दीस मतलब होता है यह, डैट मतलब होता है वह, दीज मतलब होता है ये सब, और दोज मतलब होता है वे सब. ये चारों शब्द का यूज हम लोग पढ़ चुके हैं. अगर आपका क्लास मिस कर गया हो तो प्लीज ऐप से जाकर क्लास पूरा कर लीजिए. ओके, अब इस पर हम लोग सेंटेंस भी बनाएंगे, इसको प्रूव करेंगे हम लोग. ओके, कि कैसे दीस डैट दीज और दोज के तुरंत बाद जो है वर्ब आता है और यहां पर दीस डैट दीज और दोज है प्रोनाउन का काम करता है. ओके, छोटा छोटा जो है सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे. जैसे दिस इज अ बुक. ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर दिस के जो है तुरंत सटे हुए क्या आ गया, इज, और इज क्या है, वर्ब है. तो यहां पर दिस क्या है, प्रोनाउन का काम कर रहा है. ओके, सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू. जैसे कहा जाए कि डैट इज अ हाउस, यहां पर क्या हो रहा है बाबू, डैट के तुरंत बाद जो है इज आ रहा है. ओके, यानी कि सटे हुए जो है इज आ रहा है. और यही मैं बता रहा था कि अगर दीस डैट दीज और दोज के सटे हुए वर्ब आ जाए तो दीस डैट दीज और दोज प्रोनाउन का काम करता है. ओके, तो देखिए डैट के तुरंत सटे हुए इज आ गया. थर्ड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू, यानी कि सेंटेंस नंबर थ्री, कहा जाए कि दीज आर बुक्स. दीज के जो है तुरंत सटे हुए आ गया, तो दीज यहां पर क्या हो गया, प्रोनाउन का काम कर रहा है. सेंटेंस नंबर फोर्थ देखिए बाबू, कहा जाए कि दोज आर हाउसेस, यहां पर क्या हुआ बाबू, दोज के तुरंत सटे हुए आ गया जो वर्ब है, तो यहां पर दोज क्या हो गया बाबू, प्रोनाउन हो गया. यानी कि कंसेप्ट क्लियर हो गया कि दीस के बाद इज आ रहा है, डैट के बाद इज आ रहा है, दीज के बाद आ रहा है, और दोज के बाद आ रहा है, यानी कि सटे हुए वर्ब आ रहा है. अब कोई भी वर्ब आ सकता है. ओके, एक्शन वर्ब भी आ सकता है और एक्जुली वर्ब भी आ सकता है, या मॉडल एक्जुली वर्ब भी आ सकता है. कोई भी वर्ब आ जाए तो यहां पर दीस डैट दीज और दोज क्या करेगा बाबू, प्रोनाउन का काम करेगा. ओके, आई थिंक सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया. अब सेकेंड पॉइंट पर हम ध्यान देंगे कि दीस डैट दीज और दोज एडजेक्टिव का काम कैसे करता है. तो याद रखना है बाबू, ये हम लोग एक नंबर में देख रहे थे. दो नंबर में ध्यान दीजिए बाबू कि अगर दीस डैट दीज और दोज के तुरंत सटे हुए अगर नाउन आ जाता है, प्रूव करके दिखाएंगे, घबराना नहीं है. तो यहां पर दीस डैट दीज और दोज जो है
एडजेक्टिव का काम करता है। ओके, फिर एक बार जो है कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर दिस, डैट, दीज और दोज के तुरंत सटे हुए नाउन आ जाए तो यहाँ पर दिस, डैट, दीज और दोज जो है एडजेक्टिव का काम करते हैं। ओके, कैसे? तो सेंटेंस के माध्यम से हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे बाबू। जैसे कहा जाए कि दिस बुक इज माइन। ध्यान दीजिए सेंटेंस पर बाबू, दिस के तुरंत सटे हुए बुक आ गया। बुक क्या है बाबू? नाउन है। वही स्ट्रक्चर में कह रहे कि दिस, डैट, दीज और दोज के तुरंत सटे हुए नाउन आ जाए तो वहां पर दिस, डैट, दीज और दोज जो है एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर देता है। ओके, तो यहां पर क्या हो गया बाबू? दिस के तुरंत बाद जो है बुक आ गया और बुक क्या है? नाउन है। सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू ताकि कंसेप्ट क्लियर होते चले। कहा जाए कि डैट हाउस इज योर्स। यहां पर ध्यान दीजिए बाबू सेकेंड सेंटेंस पर, डैट के तुरंत सटे हुए हाउस आ गया यानी कि नाउन आ गया, तो डैट क्या हो गया बाबू? एडजेक्टिव हो गया, यानी कि यहां पर डैट जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दिस जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। थर्ड सेंटेंस पर जो है ध्यान दीजिए बाबू, जैसे कहा जाए कि दीज बुक्स आ माइन। ध्यान दीजिए बाबू, दीज के तुरंत बाद जो है बुक्स आ गया। बुक्स क्या है? नाउन है, अभी मैं बता रहा था। ओके, तो यहां पर दीज क्या हो गया? एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शब्द वही है, बस रखने का तरीका अलग अलग है। ओके, जैसे क्या है बाबू? ये थप्पड़ है, अगर इसको ऐसे बांध लेंगे तो ये क्या हो गया? फाइट हो गया। है तो हाथ ही ना, बस सिचुएशन चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर प्लेसिंग ऑफ द वर्ड अगर चेंज हो गया तो उसका जो है नाम बदल जाता है, उसका फंक्शन बदल जाता है, उसका काम बदल जाता है। बस यही आपको याद रखना है अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करना चाहते हैं तो। ओके, सेंटेंस नंबर जो है फोर्थ पर ध्यान दीजिए, जैसे कहा जाए कि दोज हाउसेज आर योर्स। ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर दोज के जो है तुरंत सटे हुए क्या आ गया? हाउसेस, यानी कि नाउन। तो यहां पर दोज क्या हो गया बाबू? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, शब्द एक ही है, जगह चेंज हुआ, फंक्शन चेंज हुआ, नाम चेंज हो गया। ये आपको याद रखना है, कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर दिस, डैट, दीज और दोज के तुरंत सटे हुए वर्ब आ जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि वहां पर दिस, डैट, दीज और दोज जो है प्रोनाउन का काम करता है। और यदि दिस, डैट, दीज और दोज के तुरंत सटे हुए नाउन आ जाए तो यहां पर दिस, डैट, दीज और दोज जो है एडजेक्टिव का काम करता है। ओके गाइस, इसी तरह का ग्रामर का ट्रिक समझने के लिए, जानने के लिए, ग्रामर पर कमांड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको और अच्छा से अच्छा चीज़ में पढ़ा सकूं। ओके गाइस, एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आपको, आप इस किट का भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये स्पोकन किट है। ध्यान दीजिए, देख रहे हैं, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ए बी बी सी स्पोकन इंग्लिश किट, 5 बुक्स। ये पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने की जादू है। ऑर्डर राइट नाउ, नंबर दिया गया है, इधर ध्यान दीजिए। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे ऐप पर चले आइए, आपको एक से एक आल ट्रिक मिलेगा। ओके, जैसे द का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, बस पलक झपकते ही मैं द का प्रयोग ख़त्म कर दूंगा, बस ट्रिक के माध्यम से। ओके, जैसे पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग, वेरी सिंपल। इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं गाइज। सो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक।
और घड़ी इशारा कर रही है, मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।